कंस राज और हाथी में फिर डट के भाई से हार गया। मजबूर होकर के जरासंध ने अस्थि और प्राप्ति की शादी कंस के साथ कर दी है। जवाब दिया है कंस, आ ये हाथी हार गया, इसका हम क्या करेंगे, इसे भी लिए जाओ। हाथी भी दान में दे दिया। अब कंस जो था ये अस्थि और प्राप्ति को लेकर के घर आ गया। और जब घर आया, धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद कंस की सात बहनें थी। छह बहनों की शादी कंस ने वसुदेव के साथ में की है। वसुदेव जो थे ये बटेश्वर के पास में एक सौरीपुर गांव है, वहां के रहने वाले थे वसुदेव। छह बहनों की शादी वसुदेव ने कंस ने वसुदेव के साथ में कर दी है। अब ये सोचने लगे हैं बहन देवकी का विवाह कहाँ करें, कोई बात नहीं है, वसुदेव के आचार विचार अच्छे हैं, क्यों ना वसुदेव के साथ में ही हम अपनी बहन देवकी का विवाह कर दें। खत भेजा है, पत्र के अनुसार वसुदेव जो थे ये बारात लेकर के मथुरा में आ गए। बड़े नियम और संयम से कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में कर दिया। और जब विवाह कर दिया, क्षमा चाहेंगे समय बहुत कम है इसलिए जल्दी कर रहा हूं, बहुत कम समय है। बड़े नियम संयम से कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में किया है। सवेरा जब हुआ है तो देवकी की सहेलियां दुआ देने लगी, जाओ बहन हर समय आप खुश रहना। देवकी जो थी ये धीरे धीरे आगे बढ़ी है। कंस कहने लगा है, जवाब दिया है, बहन बटेश्वर बहुत दूर है, पैदल तुम कब तक पहुंचोगी, आओ हमारे रथ पर सवार हो जाओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो देखिए रथ पर सवार होकर के देवकी को बिठाला है। कंस जो था ये रथ चलाने लगा है। वसुदेव देवकी ये रथ में बैठ करके चलने लगे।